बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डेटा इंटीग्रिटी की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक का आगाज करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्या है? अ नॉर्मलाइजेशन इज अ सॉल्यूशन और टेक्निक टू रिड्यूस और रिमूव डेटा रिडंडेंसी। यानी नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए एक टेबल में मौजूद डेटा की रिडंडेंसी को कम से कम किया जा सकता है। और दोस्तों, डेटा रिडंडेंसी से क्या मुराद है? रिपीटेशन ऑफ डेटा, यानी एक ही तरह के डेटा को का बार बार रिपीट होना। जैसे ये एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, और इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी यानी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी, उस डिपार्टमेंट का नेम, उसका एचओडी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी दोस्तों, एक एम्प्लॉय से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इस एक टेबल में रख दी गई है। तो अब अगर आप इस टेबल पर गौर करें तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन तो हर एक रॉ में अलग अलग है, लेकिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ये स्टार्टिंग की तीन रॉज बिल्कुल एक जैसी हैं, इनमें जो डेटा रखा गया है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन भी रिपीट हो रही है। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक ही एंटिटी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को एक टेबल में रख दिया है, जिसकी वजह से एक ही तरह का डेटा बार बार हमें रिपीट करना पड़ रहा है। और दोस्तों, यही चीज कहलाती है डेटा रिडंडेंसी। व्हेन सेम डेटा इज स्टोर्ड मल्टीपल टाइम अननेसेसरीली इन द डेटाबेस, यानी जब एक ही तरह के डेटा को हमें बार बार टेबल में स्टोर करवाना पड़े बिना किसी वजह के, तो ये चीज कहलाती है डेटा रिडंडेंसी। अब दोस्तों, आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अगर कुछ डेटा रिपीट भी हो रहा है एक टेबल में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? डियर स्टूडेंट्स, इस एक प्रॉब्लम डेटा रिडंडेंसी की वजह से हमें डेटाबेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि इंसर्शन एनोमलीज, इसी तरह डिलीशन एनोमलीज, अपडेशन एनोमलीज, इंक्रीज इन डेटाबेस साइज एंड लोअर परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। दोस्तों, इंसर्शन एनोमली से क्या मुराद है? व्हेन सर्टेन डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन अदर डेटा। दोस्तों, इस डेफिनेशन को हमें एक मिसाल से समझना होगा। तो सपोज हमने इस टेबल में एक और एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले आईडी लिखेंगे 7, देन नेम, उसका एड्रेस, उसका डिपार्टमेंट वगैरह, यानी एक न्यू एम्प्लॉय को हम इजीली यहां इंसर्ट कर देंगे। अब मान ले कि अगर एक नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है किसी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के नाम से, और अभी तक उस डिपार्टमेंट के लिए कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं किया गया है, तो ऐसी सूरत में हमें उस न्यू डिपार्टमेंट को किस तरह से इंसर्ट करवाना होगा? कि अगर हम यहाँ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम लिख भी दें, तो एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की है इस टेबल की, उसमें क्या इंसर्ट करेंगे? क्योंकि दोस्तों, प्राइमरी की वैल्यू को हम कभी भी नल या खाली नहीं रख सकते। तो दोस्तों, ये चीज कहलाती है इंसर्शन एनोमलीज, जैसे जिसमें एक न्यू डिपार्टमेंट को हम तब तक इंसर्ट नहीं करवा सकते जब तक के एक नया एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में इंसर्ट ना हो जाए। और अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पर दोबारा गौर करें, तो द सर्टेन डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर डेटा। यानी एक डेटा यानी एक डिपार्टमेंट को हम तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते डेटाबेस में जब तक कि अनदर टाइप ऑफ डेटा यानी कि एम्प्लॉय डेटा आपके पास मौजूद ना हो। तो दोस्तों, इंसर्शन एनोमलीज के बाद आती है बारी डिलीशन एनोमलीज की। तो दोस्तों, डिलीशन एनोमली क्या है? इफ यू वांट टू डिलीट अनवांटेड डेटा, देन इट इज कॉज टू डिलीट द वांटेड डेटा। यानी दोस्तों, अगर इनमें से एम्प्लॉय 6 कंपनी छोड़कर चला जाता है, तो क्योंकि एम्प्लॉय के साथ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी है, और ये एम्प्लॉय 6 जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में फिलहाल सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 6। तो अब अगर हम इस एम्प्लॉय 6 को डेटाबेस से निकालेंगे यानी डिलीट कर देते हैं, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है, इसकी भी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन
डेटाबेस से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, जबकि हमें तो दोस्तों सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल को ही डिलीट करना था। तो ये चीज कहलाती है डिलीशन एनोमलीज, जिसमें हम एक अनवांटेड डेटा को डिलीट करना चाहें, लेकिन उस अनवांटेड डेटा के साथ साथ हमारा वो डेटा भी डिलीट हो रहा है जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें नीड है। और इसके बाद आखिर में है अपडेशन एनोमलीज। दोस्तों अपडेशन एनोमलीज से क्या मुराद है? When we want to update a single piece of data, but it must be done in all the copies of data. यानी दोस्तों अगर एक डिपार्टमेंट है 401, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज हो रहे हैं, यानी HOD चेंज हो रहे हैं, तो अब जब हम अपडेशन की क्यूरी चलाएंगे कि अपडेट HOD equals to MNO from employee table where department ID equals to 401, तो अब दोस्तों ये अपडेशन सिर्फ एक सिंगल लाइन पर नहीं होगी, बल्कि जितने भी एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी 401 है उन सब के रिकॉर्ड्स में ये चेंजिंग होगी। और दोस्तों अभी तक तो हमने एग्जांपल के तौर पर ये 6 रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल टेबल बनाया है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में तो हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, तो ऐसी सूरत में ये क्यूरी 1000 टाइम्स रन होगी। अब सोचें आपको एक जगह चेंजिंग करने पर डेटाबेस में हजारों जगह चेंजिंग होगी, इसकी वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो डेटा रिडंडेंसी की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है वो है इंक्रीज इन डेटाबेस साइज एंड डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस, क्योंकि दोस्तों यहाँ इस टेबल में हमने एक एंटिटी से रिलेटेड तमाम डेटा एक ही जगह पर रख दिया है, तो इसीलिए डेटा रिडंडेंसी भी बढ़ गई है, यानी अब डेटा हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, और एक डेटाबेस में तो हजारों लोगों का डाटा होता है, तो ऐसी सूरत में आप अंदाजा लगाएं तो रिडंडेंसी भी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डेटाबेस का ना सिर्फ साइज इंक्रीज होगा, बल्कि साइज की वजह से डेटाबेस पे इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन करने में भी वक्त लगेगा, तो ऐसी सूरत में डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपको अंदाजा हो गया होगा कि डेटा रिडंडेंसी की वजह से हमें एक डेटाबेस में कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इसीलिए हमें एक ऐसी टेक्निक की जरूरत पड़ी जिसके जरिए हम डेटा रिडंडेंसी को ही अपने डेटाबेस से रिमूव कर सकें, और ये टेक्निक कहलाती है नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों अब अगर हम इस एक टेबल को दो टेबल्स यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक टेबल को नाम दे दें एम्प्लॉय का, जबकि दूसरे टेबल को नाम दे दें डिपार्टमेंट का, और एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगी, जबकि डिपार्टमेंट के टेबल में ये डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होगी। इस तरह दोस्तों हमें इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर अब हमें किसी एम्प्लॉय को इंसर्ट करवाना है तो वो भी इजीली यहाँ पर इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, वो किसी डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमें किसी डिपार्टमेंट को इंसर्ट करवाना है तो वो भी इजीली इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, उसका किसी एम्प्लॉय से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि अगर एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में हायर होगा तभी वो डिपार्टमेंट इंसर्ट हो सकेगा, नहीं, क्योंकि अब हमने इसका टेबल ही अलग बना दिया है, तो जिसकी वजह से वो इजीली डिपार्टमेंट इंसर्ट हो सकेगा। इसी तरह से अगर हमें किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना हो तो वो भी अब इजीली डिलीट हो जाएगा, उसकी वजह से डिपार्टमेंट एक साथ उसके डिलीट नहीं होगा। और इसी तरह अगर हमें किसी डिपार्टमेंट के HOD का नाम चेंज करना है तो वो भी दोस्तों इस एक लाइन पर हम चेंजिंग करेंगे, तो वो सिर्फ एक लाइन पर ही चेंजिंग होगी, डेटाबेस में हजारों जगह उसकी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। और यही चीज कहलाती है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम एक टेबल जिसमें तमाम डेटा रखा हुआ था उसको इस तरह से डिवाइड कर दें मल्टीपल टेबल्स में कि उस डिवीजन की वजह से टेबल्स में जो डेटा रिडंडेंसी और डेटा रिडंडेंसी की वजह से हमें जो एनोमलीज का को फेस करना पड़ रहा था वो दूर हो जाए। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी इस तरह डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि नॉर्मलाइजेशन को भी कुछ स्टेप्स कुछ लेवल्स के ऊपर हमें परफॉर्म करवाना होता है, और जिनमें से इन स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला स्टेप होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, के बाद होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और आखिर में होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो वैसे तो कई सारे इसके स्टेप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इन तीन स्टेप्स को ही डिटेल में पढ़ाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉपिक का इख्तिताम हुआ,
अगली लेक्चर में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।